वो ही शमा जो काम आई अंजुमन के लिए, वो ही शमा जो काम आए अंजुमन के लिए, वो ही जीस्त जो कुर्बान हो जाए वतन के लिए। हिंदुस्तान की आज़ादी से जुड़ी हुई वो यादें जो जहन के किसी कोने में समाई हैं, वो गलियां जहां हंसते खिलखिलाते बड़े हुए और फिर वहां सन्नाटा सा छा गया। कुछ हसरतें जो अधूरी रह गई, कुछ ख्वाहिशें जो परवान चढ़ी, जिंदगी जो हसीन ख्वाबों के साथ आंखों में दे गई बेशुमार दर्द भी। ये दर्द, ये ख्वाब गढ़ गए अनगिनत कहानियां, और इन कहानियों में से कुछ यादें हम लेकर आए हैं आपके लिए, उनकी जिन्होंने हिंदुस्तान की आजाद तस्वीर को अपने सामने बनते देखा, देखा उसके आगोश में समाते कितने ही शहीदों को, ताकि हम और आप आजाद फिजा में सांस ले सकें। हर जो स्वतंत्रता सेनानी था उसका एक ही ख्याल था कि किसी भी तरीके से देश आज़ाद हो। वो गांधी जी के रास्ते को भी सही समझता था, सुभाष चंद्र बोस के रास्ते को भी सही समझता था, भगत सिंह चंद्रशेखर जैसे क्रांतिकारी के भी रास्ते को सही समझता था। जिसको जहां अवसर मिला उस अवसर का उसने लाभ उठाया, और उसमें जहाँ तक भावना का सवाल था, केवल एक ख्याल था प्रत्येक स्वतंत्र सेनानी के मन में कि देश आज़ाद हो, किसी भी तरीके से आज़ाद हो, चाहे उसका रास्ता कोई भी हो। आंदोलन जो चलता था हवा बन जाती थी, एक गांव में आंदोलन हुआ तो दूसरे गांव में पता लग जाता था, एक दूसरे इलाके में आंदोलन हुआ पड़ोस के इलाके में पता लग जाता था, उसके तीसरे इलाके में पता पड़ जाता था। मेरे पिताजी दफ्तर जाने लगे तो उनको बस वाले ने कहा कि आप सरदार जी आप दीवाने हैं क्या? वो नाराज़ हो गए, क्या कहते हो? आप इधर आइए, पीछे बस का जहाँ सामान चढ़ाया जाता है उस पे चढ़िए, वो देखिए, वो गोल बाग जल रहा है, वो देखिए अनारकली में आग लगी हुई, उधर देखिए निस्बत रोड जल रहा है, यानी सारा लाहौर जल रहा है। और आप हैं कि सिर्फ आप ही की इस वक्त फैमिली यहाँ है कृष्ण नगर में, आप सारे बच्चे बर्बाद हो गए। मेरे पिताजी वापस आ गए, वहाँ एक सबने मिलके बस बनाई हुई थी, उस बस में हम गए। अब हम जहाँ जाएं आगे या आग लगी हुई है या गोलीबारी हो रही है, तो जो ट्रेन हमने पकड़नी थी, जिसकी हमारे पास टिकटें थी, वो निकल गई और हम आके लाहौर के प्लेटफॉर्म पे बैठ गए। फिर उसके बाद जब 6 घंटे के बाद अगली गाड़ी आई, ये बात मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि जब हमें हिंदुस्तान में पहुँच गए तो बठिंडा में वो ट्रेन हमें मिली, वो ट्रेन थी जो हमारी मिस हुई। हमारे साथियों वीरों के बल पर हमी को अब दबाया जा रहा है, कजा को खुद बुलाया जा रहा है, हमें नाक सताया जा रहा है।
उस समय प्रभात फेरियाँ निकलती थी, जुलूस निकलते थे, क्योंकि आज़ादी से पहले आज़ाद हिंद फौज का के जो तीन जनरल थे उनके मुकदमे चल रहे थे लाल किले में, और हम लोग शोर मचाते सड़कों पर निकलते थे कि इनको आज़ाद करो। शरणार्थियों के काफिले आने शुरू हुए। हम लोगों ने जगह जगह लंगर खोले, उनके लिए शरण देने की कोशिश की, और जो हमारे मुस्लिम मित्र थे उनके घरों में एक तरह का द्वंद्व और खींचतान मची कि उनमें कौन पाकिस्तान। कुछ लोग थे जो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, कुछ लोग थे जो पाकिस्तान जाना चाहते थे। बस 1924 का मेरा जन्म है, तो मैं 12.5 साल का था, तो मैं अपनी माँ के साथ गया उस बूथ पर। जब बूथ पे गया, वोट डल रहे थे, तो वहाँ औरतें खड़ी थी। मेरी माँ ने कहा कि उन औरतों को कि आपने वोट जो है वो कांग्रेस को देना है, कांग्रेस का कैंडिडेट जो है वो पंडित भगत राम है। तो उस बात पर आकर के वहाँ जो थानेदार खड़ा था उसने मेरी माँ को चांटा मार दिया, और उस वक्त मेरे दिल पर एक चोट लगी कि इसने मेरी माँ को क्यों मारा। और फिर एक वहाँ कोई आदमी था, उसने मुझे बताया कि हम गुलाम हैं, अंग्रेज़ हमारे पर राज करता है, कांग्रेस चाहती है कि अंग्रेज़ यहाँ से चला जाए, अंग्रेज़ ना हो, हम अपना राज खुद चलाएं। वो मेरे दिल पर चोट लगी, और मैंने कहा कि मैं आज कसम खाता हूँ कि मैं भी इस लड़ाई में लड़ूंगा। फिर यहाँ से मैं चला गया लाहौर, गाड़ी में बैठा और लाहौर पहुँच गया 1943 में लाहौर पहुँच गया। अच्छा, लाहौर पहुँच के फिर अब क्या करना है, तो मैंने एक जगह बर्तन साफ़ करने की नौकरी कर ली, और दिन में वहाँ काम करना, रात को मैंने वहाँ गांव में निकल जाना और लोगों को ये कहना, आज़ादी के लिए कहना। कहते भी गए आज़ादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना है, जो मरना वतन पे जाने। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे, भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन हिंदुस्तान के बारे में दो बातें, एक तो ये कि हिंदुस्तान का जो साउथ इंडिया है उन पर कोई असर नहीं हुआ, जो ना वहाँ कोई गड़बड़ हुई ना कुछ हुआ, तो उनको पता भी नहीं था कि पंजाब और हरियाणा के लोगों हिंदुओं को क्या सफ़र करना पड़ा, उनकी लाइफ उसी तरह चलती थी जैसे चलनी चाहिए। लेकिन जो यहाँ आए रिफ्यूजी बन के हिंदू, उनका जीवन बड़ा सख्त था। शरणार्थियों के कैंप, एक खासकर बहुत बड़ा कैंप बनाया गया कुरुक्षेत्र के पास, जहाँ पर लाखों लोग तंबुओं में रहते थे और उनको खाना बांटा जाता था। वो लोग जो कल तक पानी का एक गिलास हाथ से नहीं उठाते थे, इतने दुखी हो गए कि उनको मानना पड़ा कि किस्मत किस तरह से बदल गई, कहने हम अपने पांव पे खुद खड़े होंगे, शरणार्थी नहीं हैं हम तो पुरुषार्थी हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की
हमारे दिल में सरफरोशी की तमन्ना। जब लगा कि यहाँ रहना मुश्किल है तो हमने फिर एक मिलिट्री के ट्रक से बात की जिसने कहा मैं आपको अमृतसर तक पहुँचा दूँगा। तो हम 15-20 लोग, मेरी अपनी फैमिली और चंद और दोस्त, हमने उस ट्रक को लिया और वो ट्रक मुल्तान से लाहौर की तरफ चलने लगा। लेकिन रास्ते में इतनी दिक्कतें आईं क्योंकि इस्लाम मुसलमानों का इलाका था, तो उस वक्त ये डर था, कहीं रोक देते थे कि जी मुसलमान आ रहे हैं और आप यहाँ आगे जा नहीं सकेंगे। लेकिन बाद में पता चला मिलिट्री वाले जो थे वो कहते थे जी पैसे दे दिए हम आपको ले जाएंगे। तो इस तरह करते करते हम मुल्तान से लाहौर का जो डिस्टेंस था मेरा ख्याल है हमने कोई 16 घंटे में पूरा किया। और रात को 12 बजे जब हम लाहौर पहुँचे तो एक जगह ट्रक को रोक दिया गया। तो उन पीछे आवाज आई कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं? तो हमने कहा क्या मतलब? कहने नहीं हम जानना चाहते हैं। तो हमारे जो ट्रक का ड्राइवर था उसे कहा मुसलमान है, लेकिन हम में से कोई बोला कि नहीं नहीं हम हिंदू हैं। तो देखा वहाँ उन्होंने बॉर्डर पे कुछ लोग खड़े थे इसलिए कि हिंदू इस रास्ते ना जाए, क्योंकि वहाँ कैंप बने हुए थे, हिंदुओं के बने थे मुसलमानों के बने थे। तो उनको ये होता था कोई हिंदू लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमानों के कैंप में ना ले जाए क्योंकि अनसेफ होगा। तो जब उनको पता लगा हिंदू हैं तो उन्होंने ट्रक वाले को डांटा, देखा तुम इधर क्यों जा रहे हो? DAV स्कूल था वहाँ पर लाहौर में, वहाँ आप चलिए, वहाँ हिंदुओं का कैंप है। हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते, वक्त की शाख से वक्त की शाख से लम्हे नहीं टूटा करते, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते। यादों का सिलसिला जारी है, हम हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं जंगे आजादी से जुड़ी कुछ बेशकीमती यादों के साथ। एक बार सरदार पटेल आए थे जम्मू में, उस वक्त लोग वहां से भाग रहे थे, मैं जम्मू छोड़ के जा रहे थे, उन्होंने स्पीच दी थी वो अभी तक मुझे याद है। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कहाँ भागे जा रहे हो? मौत निश्चित है, समय निश्चित है, स्थान निश्चित है, क्यों भागते हो? मैं आज भी उनके वो शब्दों को याद करता हूँ। गांधी जी ने कहा था अहिंसा परम धर्म, कभी भी कोई मूवमेंट जो होती है वो वायलेंस से हल नहीं होती, वो हमेशा मूवमेंट जो होती है नॉन वायलेंस मूवमेंट से होती है। गांधी ने ये कभी नहीं कहा कि हम मारेंगे, गांधी जी ने कहा था हम लड़ेंगे और मरेंगे, ये नहीं कहा कि हम मारेंगे। गांधी जी कभी भी देखिए स्पीच में गांधी जी ने कभी नहीं कहा, उनका हम लड़ेंगे मरेंगे और आज़ादी हासिल करेंगे। साबरमती की संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती की संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती की संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल,
ऐसे लीडर मौजूद हुए जिन्होंने मांग की कि ठीक है आप हमारे आपने हम आप ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा हैं लेकिन हमको आज़ादी दीजिए, आप हमको डोमिनियन स्टेटस दीजिए। तो इस तरह हमारे यहाँ आज़ादी से पहले और आज़ादी की मांग जिन लोगों से हमने की थी वो भी मुझे कहने दीजिए मैं कहना चाहता हूँ वो भी अच्छे थे और हम सबसे अच्छे थे, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि मुझे अंग्रेज़ों से नफरत नहीं है, मुझे अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से नफरत है। और हमारा पूरा जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो था नॉन वायलेंस, कि हमें अपनी नियति अपनी तकदीर बदलने का हक होना चाहिए, हम आज़ाद होना चाहते हैं, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। इसलिए उन्होंने सीधा नॉन वायलेंट स्ट्रगल सत्याग्रह करना शुरू किया। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर टका सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। हमने सदियों में ये आज़ादी की नेमत पाई है, सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है, हमने ये दौलत पाई है, मुस्कुरा कर खाई है सीनों पे अपने गोलियां, सीनों पे अपने गोलियां, इतने वीरानों से गुजरे हैं तो जन्नत पाई है, खाक में हम अपनी इज्जत को मिला सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। हिंदुस्तान के हर शहरी को वोट दिया गया है, ये इतनी मीन अचीवमेंट नहीं है। दुनिया के लोग उस वक्त मजाक कर रहे थे कि हिंदुस्तान के गरीब लोग हैं, अनपढ़ हैं, वो क्या जानेंगे किसको वोट देना है किसको नहीं देना। लेकिन एडल्ट फ्रेंचाइज यूनिवर्सल कर दिया गया है, ये एक मेजर डिसीजन था। ये क्यों लिया गया? ये क्योंकि आज़ादी की लड़ाई जो गांधी जी और बड़े बड़े नेताओं ने लड़ी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसीलिए उसको सक्सेस मिली, ज़्यादातर पीसफुल रही कि लोग उसमें शामिल हो गए थे। गांधी की जो अचीवमेंट थी लोगों को साथ लेने की थी, गरीब से गरीब भी उनके पीछे हो गया था। और फिर अगर आप उन लोगों को अधिकार नहीं देंगे वोट का तो किसको देंगे? और उनका फेथ था लोगों में कि अगर ये लोग आज़ादी ले सकते हैं तो आज़ाद मुल्क को चला भी सकते हैं, तो इसलिए उनको वोट का अधिकार दिया। जो बचपन में हम सुनते थे, स्कूलों में भी गाते थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलशिस्ता,
15 अगस्त 1947 को मुझे याद है, थोड़ा थोड़ा सा मेरी उम्र उस वक्त तो 13-14 साल की रही होगी। मुझे ये याद है कि हर जगह 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 मिठाइयाँ बट रही थी और बच्चे छोटे छोटे तिरंगे झंडे हाथ में लेके बाज़ार में घूम रहे थे, कारों पे, साइकिलों पे, कार बहुत कम होती थी, साइकिल और जो भी होती थी सब पर झंडे होते थे। और मेरा ख़्याल ये तहसील से लेकर और गांव तक मिठाइयों का वितरण उस दिन बहुत हुआ, खूब उत्साह भी था लोगों में और जगह जगह भारत माता की जय और आज़ादी के नारे बोले जाते, गांधी जी की जय, नेहरू जी की जय बोली जाती थी और ये वातावरण था खुशी का। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक ऐसी लड़ी शुरू हुई उत्सवों की आज़ादी मिलने के बाद कि कवियों को समय नहीं मिलता था यशगान गाते हुए, आज़ादी का जिक्र करते हुए, गायकों को समय नहीं मिलता था खुशी मनाते हुए, नृत्यकार नाचते जाते थे, टोलियां थी, आज़ादी का जो जश्न मनाया गया उसके पीछे जो अनुभव था, जो आकांक्षा थी पूरी हुई, वही बाद में चलती रही और मैं कहूँगा कि आज तक है। और हमें बार बार अपने आप याद आता है, हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे। जब पंडित नेहरू जी थे तब हमारे मतलब हम लोग अन्ना साहब श्री रामचंद्र जी के साथ गए थे, उस वक्त लता मंगेशकर जी ने एक गाना गाया था और प्रदीप जी ने उस गाने को लिखा था। उस टाइम हम लोग उनके साथ काम करते थे, बजाते थे, तो वो ज़माना मुझे याद है। अब हम बात कर रहे हैं हमारे देश की बात कर रहे हैं और उसके बारे में तो ये नहीं है कि हम खाली हमारी बात करें, हम देश के लिए एक अच्छी बात करना चाहते हैं कि उस गाने को ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं ज़रा उनकी याद करो कुर्बानी। ये गाना लोगों मालूम भी होगा, शायद नहीं मालूम हो तो उनको ये मालूम हो कि कवि प्रदीप जी की ये रचना है और लता जी ने गाया था और इसकी धुन मतलब जो बनाए थे वो श्री रामचंद्र जी। तो उस टाइम पे ये गाना सुनते वक्त हम वहाँ पे थे, हमने हमारे सामने देखा था कि रफी अपना जब अपना लता जी जब गा रही हैं, सामने बैठे हुए नेहरू साहब उनकी आँखों में आंसू, उनकी आँखों में आंसू और वो अपने रुमाल लेके उन्होंने आंसू पोंछे और ऐसे रुमाल लगाई, हमने अपनी आँखों से देखा हुआ इस गाने के अंदर। हिमालया शामिल हो चाहे वो तहजीब में, ऋग्वेद हो चाहे वो गीता हो चाहे वो
गंगा हो या जमुना हो या तो ये एक बहुत इतने हज़ारों साल की तहजीब है और उस तहजीब की वजह से हिंदुस्तान जो है वो हमारा है ही है और सारे जहाँ से अच्छा भी है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी जानना चाहिए कि इकबाल ने ये भी कहा है कि उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, तो वो जो डाइवर्सिटी है ने उस डाइवर्सिटी को भी बचाने की कोशिश करनी चाहिए, इसलिए कि हिंदुस्तान का हुस्न जो है, हिंदुस्तान की खूबसूरती उसी वक्त बाकी रहेगी जब हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहेगा। सारे जहां से अनमोल यादें उनकी जिनकी आंखों ने देखा था हिंदुस्तान की आजादी का सपना, सहा था दर्द अपनों के खोने का, सिर्फ इस एक उम्मीद पर कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की तस्वीर वैसी हो जैसा कि ख्वाब देखा था स्वतंत्रता सेनानियों ने, हजारों हजार शहीदों ने। क्या उनके सपनों को, उनकी उम्मीदों को हम पूरा कर पाए? यकीनन हाँ, लेकिन कुछ हद तक। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि ये काफी नहीं है वतन परस्ती, यादों को नहीं भुलाना, जो कुर्बान हुए उनके लफ्जों को आगे बढ़ाना, खुदा के लिए नहीं जिंदगी वतन के लिए निभाना। प्रीत जहां की रीत सदा है, प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार, आदाब। We'll be right back.